गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न स्टार्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन. पे अटेंशन, हियर योर इंग्लिश टीचर श्वेता तिवारी. सो स्टूडेंट, टेक योर इंग्लिश ग्रामर बुक. एंड स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू अगेन एंड टीच यू अगेन अबाउट कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन. ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट कंजक्शन एंड वॉट इज कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है? ओके स्टूडेंट्स, कंजक्शंस वर्ड्स आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. अंडरस्टैंड, कंजक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं. ये क्या करते हैं? कंजक्शन वर्ड्स ज्वाइंस, कंजक्शन वर्ड्स ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. ओके, यानी कि जो कंजक्शन वर्ड होते हैं ना, ये टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स को क्या कर देते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं. ओके, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर लाइक एंड और बट आर कॉल्ड कंजक्शंस. यानी कि आपके जो कंजक्शन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो जैसे हैं आपका एंड हो गया, और बट. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, यू विल राइट एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन योर रफ कॉपी और इंग्लिश कॉपी. कोई भी कॉपी हो आपके पास, रफ कॉपी पड़ी हो या ऑलरेडी आपकी कोई भी कॉपी, उसमें कुछ पेजेस हों, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्टली यू विल राइट दिस एक्सरसाइज ऑन योर कॉपी. ओके, सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बुक में इसको फिल कर चुके हैं और उसको उसका करेक्शन भी करवा चुके हैं. ठीक है, तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? एक कॉपी पर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को राइट कर लेंगे, और राइट करने के बाद आप जो है ब्लैंक्स को फिल करेंगे और कंजक्शन एंड कंजक्शन एंड व्हाट कंजक्शन से. ओके, कि राइट कंजक्शन क्या होगा. ओके, जैसे कि इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, दिस इज अ स्क्वायर क्लॉक एंड दैट इज अ राउंड क्लॉक. ओके, यानी कि ये जो है स्क्वायर क्लॉक है और वो राउंड क्लॉक है. ओके, बी में देखिए, वी कैन स्टे इन अ होटल. यानी कि उसने कहा कि हम जो है होटल में रुक सकते हैं, और या ऑप्शन दे दिया, और एट अ फ्रेंड्स प्लेस, यानी कि दोनों में से कहीं पर. तो और का मीन्स होता है, या हिंदी में जो इट मीन्स फर्स्ट वाला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. जहाँ पर चॉइस होती है, जहाँ पर ऑप्शन होता है, वहाँ पर हम और यूज़ करते हैं. ठीक है, दोनों में से कोई एक हमें काम करना है तो वहाँ पर हम और यूज़ करेंगे. एंड का मीन्स होता है दोनों के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता. इट मीन्स जैसे कहा गया कि दिस इज अ स्क्वायर क्लॉक, दैट इज अ राउंड क्लॉक. दोनों क्लॉक हैं, एक स्क्वायर है और एक राउंड क्लॉक है, या नहीं दिया गया उसमें. ठीक है, यानी कि चॉइस नहीं दी गई है. नेक्स्ट देखिए, द ऑरेंजेस आर चीप. ऑरेंज जो है वो कैसे हैं? सस्ते हैं. द एप्पल्स आर कॉस्टली. लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक जो है यहाँ पर बट लग गया, लेकिन, यानी कि ऑरेंजेस जो है वो चीप है, लेकिन जो एप्पल्स है ना वो कॉस्टली है. एक एक्सक्यूज, एक तरीके से जहाँ पर एक्सक्यूज देते हैं किसी भी चीज का, या कोई चीज बताते हैं कि ये काम ऐसा है बट वो काम ऐसा है, यानी कि डिफरेंस दिखाते हैं दोनों में. जहाँ पर डिफरेंस दिखाते हैं, अंतर दिखाते हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? बट यूज करते हैं. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, ये बहुत सिंपल तरीका, इजी तरीका है. ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट है, वी हैव अ पैट कैट. यानी कि हम जो है एक पैट कैट, एक पालतू बिल्ली रखते हैं, एंड अ डॉग, यानी कि दोनों हैं उनके पास. ठीक है, या आपके पास हम रखते हैं, आपके पास है. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज है आपके पास, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे? एंड. अगर आप कहते हैं कि मैं बिल्ली बिल्ली जैसे आपने कहा, मैं मुझे बिल्ली पालनी है या फिर डॉग पालना है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है. ठीक है, आपने चॉइस रखें कि या तो मैं बिल्ली पालूंगा या फिर मैं
जो है डॉग पालूंगा। तो यहाँ पर चॉइस क्या है, दोनों में से आपको एक काम करना है, ठीक है? तो वहां पर आप और यूज करेंगे, ठीक है? और जहां पर आप कोई भी जो है एक्सक्यूज देते हैं या डिफरेंस बताते हैं, वहां पर आप वट यूज करते हैं, ठीक है? जैसे नेक्स्ट देखिए, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। कैन नॉट रीड फ्रेंच, ठीक है, लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है? दोनों में डिफरेंस अंतर बता दिया ना मैं, मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है लेकिन फ्रेंच। अगर आप कोई ऐसा होता कि मुझे इंग्लिश, मैं इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ और फ्रेंच भी पढ़ सकता हूँ, तो वहां पर एंड यूज हो सकता। या फिर आप ये बोलते मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, या फिर मतलब दोनों में से चॉइस अगर आपको लेनी है तब आप और यूज करेंगे। अगर आप ये एक्सक्यूज देते हैं या डिफरेंस बता कि मैं मुझे हिंदी पढ़नी आती है लेकिन इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, या फिर मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है लेकिन फ्रेंच पढ़नी नहीं आती है, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर आप वट यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, अबाउट इंटरजेक्शंस। वॉट इज इंटरजेक्शंस? तो इंटरजेक्शंस के थ्रू आप क्या करते हैं, यू शो योर फीलिंग्स। यानी कि इंटरजेक्शंस को अगर आप वन वर्ड्स में उसको बताना चाहते हैं तो क्या है, वर्ड्स और फीलिंग्स। इट मींस वो वर्ड्स जो कि फीलिंग को शो करते हैं वो आपके इंटरजेक्शन है। जैसे देखिए, हेलो, ओ, हुर्रे, आउच, वाओ, एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन, ग्रीटिंग, जॉय और प्लेजर। यानी कि ये वो शब्द हैं, वो वर्ड्स हैं जो कि आपकी फीलिंग, जो सडन फीलिंग है, लाइक जैसे अप्रिशिएशन, किसी चीज़ को आपने अप्रिसिएट किया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगा। ग्रीटिंग करना, किसी की तारीफ करना या मॉर्निंग विश करना, या फिर मतलब इट मीन्स ग्रीटिंग करना, जॉय करना, ओके? जॉय मीन्स आप खुश होना, आनंद लेना, प्लेजर, ओके? प्रसन्न होना प्लेजरिंग के लिए है। दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स हैं जो कि फीलिंग्स को शो करते, फीलिंग को शो करने के लिए हम उनको यूज करते हैं, तो वो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, चेक द मार्क आफ्टर द इंटरजेक्शन। एक चीज सबसे बड़ी जो इसका, इसकी जो पहचान है वो ये है कि इंटरजेक्शन, जहां भी इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे उसके साथ साथ एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होगा। ये जो एपोस्ट्रॉफी का ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ओके, इतनी जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये सबसे बड़ी जो है पहचान है कि आप पहचान सकते हैं कि इंटरजेक्शन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है? जैसे देखिए, हेलो, हेलो के साथ क्या यूज हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। ओ, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर भी यूज हुआ है। हुर्रे, यहाँ पर भी देखिए। आउच, यहाँ पर भी दी हुआ है। वाओ, यहाँ पर भी दी हुआ है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी पहचान, तो ये इसका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। यानी कि वो वर्ड है जिससे हम क्या शो कर सकते हैं, फीलिंग्स को शो कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ओके, बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, लाइक वाओ, ओके, चुप करते, कोई है, ओके, आह, हे, ओ डियर, हुर्रे। चलिए देखिए, अब देखिए फर्स्ट में इसके लिए भी आपको क्या करना है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, यू विल राइट दिस एक्सरसाइज ऑन योर कॉपी। आफ्टर राइटिंग यू विल ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। ओके, दिस एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है, और ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे, इवनिंग क्लास में करेक्शन के लिए सेंड करेंगे। ओके, चलिए। ओके, फर्स्ट में आपका है आई वॉन द गेम। ओके, यानी कि आप जब आप किसी चीज़ में सक्सेस होते हैं, आपको वहाँ पर जो है सक्सेस मिलती है, आप किसी चीज़ को जीत जाते हैं, तो वहाँ पर हुर्रे। ओके, हुर्रे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जिसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्नैक इज हिशिंग। यानी कि स्नैक जो है, सांप जो है, क्या कर रहा है, फुफकार रहा है। ओके, तो उस जगह पे आप क्या कहते हैं, जहां पे थोड़ा सा आपके अंदर भय है, फियर है, डर है, तो वहां पर आप चुप करने के लिए बोलते हैं ना। यस,
तो वहां पर ये शब्द है, ये शब्द यूज होगा इंटरजेक्शन का, हे आर यू ऑल राइट। इट मीन्स आप किसी को इंडिकेट करते हैं कि क्या तुम सही हो, तुम्हें ठीक हो, यानी किसी के बारे में पूछते हैं, यानी कि किसी चीज को अपनी तरफ उसको जो है अपने आप से, मतलब अपनी तरफ जो है इंटरेक्ट करना, उसको उससे बात करने, अटेंशन गेन करने के लिए हे का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बाओ, कोई चीज बहुत ज्यादा आपको अच्छी लग रही है और आप उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, तो उस जगह पर आप क्या करते हैं, द केक इज सो गुड, यानी कि केक बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आप इस तरह से बोलते हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, वाओ। ओके, आई हैव लॉस्ट माई कीज, यानी कि आपको दुख हो रहा है, सॉरो दुख, यानी कि आप टेंशन में है, आपको दुख हो रहा है, आह आह जो है वो दुख को शो करने के लिए होता है, तो आई हैव लॉस्ट माई कीज, यहाँ पर उनकी जो है की खो गई है तो दुखी तो होगा ना, यस, तो यहाँ पर आह यूज हुआ है। ओ डियर इट्स नॉट लेट दे आर स्टिल अवेक, ओके, यानी कि ओ डियर, यानी कि किसी को कहते हैं कि अभी लेट नहीं हुआ है, दे आर स्टिल अवेक। ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, दिस इज रिविजन नंबर 2, ये आपका रिविजन नंबर 2 है, जिसमें मैंने आपको ये अभी अभी मैं डेफिनेशन के साथ एक एक्सरसाइज जो है रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको रिविजन वर्क मिलता रहेगा और जल्दी, जैसे कि आप लोग को पता है ना, जल्दी आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप एकदम से लग जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए और अपना 100% दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इट्स नाउ फॉर टुडे क्लास, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।